और भाई सब खैरियत। तो आज हम जाने वाले हैं 759 साल पुराने एक पैलेस में, 759 ईयर्स ओल्ड एक पैलेस जो कि सिचुएटेड है कोटा में, जिसे गढ़ पैलेस के नाम से जाना जाता है। आई एम शुभजीत मुखर्जी एंड वेलकम टू माय चैनल द शुभजीत ब्लॉग्स। आप मेरे साथ बहुत सारा एक्सप्लोरेशन करने वाले हैं इस चैनल पे। तो मैं बेसिकली सर्च कर रहा था कि कोटा में और क्या क्या घूमने का जगह है, उसमें से मुझे गढ़ पैलेस मिला। तो चलते हैं गढ़ पैलेस को एक्सप्लोर करके आते हैं। चुका हूँ गढ़ पैलेस में, 759 साल पुराना गढ़ पैलेस। देख के लग रहा है रेनोवेट हुआ होगा बीच में कहीं पे, तो अंदर जाके पूरा हिस्ट्री पता चलेगा। वाह अमेजिंग, यहाँ पे अच्छा खासा पार्किंग का भी जगह है। तो ये है हमारा एंट्रेंस, मेन एंट्रेंस बाहर था एंड यहाँ पे कैनन रखे हुए हैं। वाह तो चलते हैं पैलेस के अंदर। एक्चुअली ये सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे तक खुला रहता है और मैंने टिकट भी ले लिया है। एक्चुअली वीडियो कैमरा का अलग टिकट है। तो यहाँ पे कुछ रखा हुआ है जिसका नाम है धोसा राव राम सिंह जी। ये क्या है बेसिकली मुझे पता नहीं, इसके बारे में अगर दिया रहता तो अच्छा ही होता। जहाँ तक समझ में आ रहा है ये कुछ म्यूजिकल प्लेयर है, कुछ म्यूजिक बजाने के लिए होगा। आज बहुत धूप है, लास्ट टाइम मैं घड़ी भूल गया था, आज मैं चश्मा भूल गया हूँ। मेरे साथ क्या होता है सच में पता नहीं। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे वीडियो सिर्फ शूट कर सकते हैं, बोल नहीं सकते। ये क्या है मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा। उस दिन मॉल में मैं वीडियो शूट नहीं कर सकता, सेल्फी स्टिक नहीं ले जा सकता। यहाँ पैलेस में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ, बोल नहीं सकता, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ। ये सच में बहुत ही गलत बात है। ऐसा क्यों करते हैं मुझे सच में पता नहीं, क्या ही उखड़ जाएगा इससे। ये जो पोर्ट्रेट आपने देखा, ये था महाराव
उमेद सिंह जी टू का पोर्ट्रेट था, काफ़ी रियल लग रहा था। 1909 समथिंग में वो पेंट किया गया था। गढ़ पैलेस जो है वो चंबल रिवर के एकदम ही बाजू में। एक्चुअली मैं अगर ऐसे टूरिस्ट बन के आता तो मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर पाता, एंड एंजॉय कर भी रहा हूँ एज अ टूरिस्ट, बट एज अ ब्लॉगर मैं जो बोल नहीं पा रहा हूँ कुछ भी दिखाते हुए, बहुत ही प्रॉब्लम वाला चीज़ है। यहाँ पे पुराने पुराने महाराजाओं का फोटोज लगे हुए हैं। वेल जोक्स अपार्ट, ये बहुत ही मस्त एक म्यूजियम बनाया है पैलेस के अंदर, काफी पुराने पुराने चीजें सब कुछ, एनिमल्स भी जो जो उस वक्त मिलते थे, एंड यहाँ पे फोटोज हैं किसने किसको मारा। जैसे HH मारा, उमेद सिंह ऑफ कोटा ने एक टाइगर को मारा था। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। लेकिन मेरा बस एक ही कंसर्न है कि मैं अच्छे से ब्लॉग शूट नहीं कर पा रहा हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पे
वीडियो करना अलाउड है लेकिन वीडियो करते करते बोलना अलाउड नहीं है। तो अभी चलते हैं पैलेस के ऊपर की तरफ, तो मैं रूल्स ब्रेक पे ब्रेक किए जा रहा हूँ। अभी अभी पता चला मैं बहुत ही सही टाइम पे आया हूँ, मार्च के टाइम पे। ऑलमोस्ट मार्च का एंड होने वाला है क्योंकि अप्रैल के फर्स्ट सेकंड वीक से इतना धूप हो जाएगा राजस्थान में ना कि घूमना तो छोड़ो, सोच भी नहीं सकते यहाँ पे आने का, इतना गर्मी है। यहाँ पे क्या है, ये बंद है क्या? ओह गॉड, ये क्या है? वो जो नदी आपको दिख रही है ना, वही है चंबल रिवर। चंबल के डाकू आपने सुना ही होगा, तो एग्जैक्टली वही वाला चंबल रिवर। इस पैलेस में ना एक और छोटा सा मिस्टेक है, यहाँ पे कुछ भी चीज़ डिटेल में नहीं है। मतलब ये जगह क्या, जैसे ये बाहर सॉरी बारा दरी क्या है, वो क्या है, किस लिए यूज होता था ये जगह, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा। तो देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या है एक्चुअली वहाँ पे। एक और मुझे पैसेज दिख रहा है, चल के देखते हैं क्या है। ये बेसिकली बड़ा महल है, यहाँ पे जो आपने बेड देखा, यहाँ पे शायद राजा सोते थे या विश्राम करते थे, जो भी है। लेकिन अंदर बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं, कई सारे पेंटिंग किया है, फोटोग्राफ्स नहीं पेंटिंग है, वो काफ़ी पुराने पुराने। आई थिंक ऑलमोस्ट सारे ही घूम लिया मैं। ये सुनसान जगह भी बहुत ही अच्छा लगा। सोच रहा हूँ यहीं पे डेरा डाल के बैठ जाऊँ, लेकिन अकेले अकेले बैठ के क्या ही करूँगा मैं, इससे अच्छा है मैं निकल जाता हूँ अभी। गढ़ पैलेस अच्छा ही है, लेकिन मेरे जैसे लोग जिनको हिस्ट्री जानने में बहुत इंटरेस्ट है, एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, उनके लिए अगर वहाँ पे
डिटेल में चीजें नहीं है, बहुत ही मुश्किल है क्योंकि हर एक चीज का नाम दिया हुआ है लेकिन डिटेल नहीं है। मैं दूसरे म्यूजियम्स में गया हूँ, वहां पे अच्छे खासे डिटेल्स रहते हैं, ऑनलाइन भी कर दिया है उन चीजों को कि आप स्कैन करके पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग देख के आई को जो है बहुत ही सूथिंग सा लगा, लेकिन जो रेस्ट्रिक्शंस थी कि मैं किसी चीज़ के बारे में बोल नहीं सकता, मैं वीडियो रिकॉर्ड करते करते बोल नहीं सकता, ये सच में क्यों करते हैं मुझे सच में ये बहुत ही इरिटेटिंग है कि मैं वीडियो करने आया हूँ, मैं अच्छे खासे पैसे भी दे रहा हूँ टिकट का, और लेकिन मैं पूरे फ्रीडम के साथ वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकता। खैर कोई बात नहीं, अलग अलग जगह का अलग अलग नियम होता है, मानना ना मानना हमारे ऊपर है। अगर ना मान के कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो हमें वो चीज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन क्यों ना बोलूँ, सच में क्यों ना बोलूँ। मैं व्लॉग कर रहा हूँ, आज इतना मॉडर्न इंडिया हो चुका है, मैं अपना लाइफ, अपना ट्रैवल, अपना जर्नी, अपना एक्सप्लोरेशन वीडियो के थ्रू आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ये सब नहीं, ऐसा रिस्ट्रिक्शन रहेगा तो सच में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन फिर भी बड़े बड़े जगहों पे ऐसा नहीं रहता, वहाँ पे फुल फ्रीडम रहता है। अगर मैंने वीडियो के टिकट के लिए पैसा दिया है तो मैं आराम से रिकॉर्ड कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों है मुझे सच में पता नहीं। तो वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत सारा एक्सप्लोरेशन करने वाले हैं, अलग अलग जगह जाएंगे, अलग अलग खाना खाएंगे, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। एक सेकेंड, मैं इस वीडियो में तो खाना ही भूल गया। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली मैं कहीं पे तो खाने जाऊँगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।